जय हिंद माय डियर मास्टर माइंड्स। जैसे कि हम लोगों ने कुछ वोकैब्स के सेशन करे थे, आज फिर से हम लोग कुछ नए वर्ड के साथ हाजिर हैं। बच्चा पहले ये समझो कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है? बहुत किसी के दिमाग में ये आता होगा कि अचानक से आ रहा है 10 वर्ड बता रहा चल जा रहा है। बाबू एक बात समझना कि अगर हम लोग हर एक वर्ड्स को याद करने जाए ना, इफ वी आर गोइंग टू मेमोराइज ऑल दी वर्ड्स, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसी जगह पे हम लोग एक तरीके से दिमाग में फोटो देख के सेट कर लेना माइंड में, कभी आपको याद करने का जरूरत ही नहीं होगा मेरे बच्चे, कभी दरकार ही नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ तरीके से एक फोटो देख के माइंड में इमेज के थ्रू क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, माइंड में क्या करेंगे बच्चा, सेट कर लेंगे, ठीक है? चलो पहला वर्ड हमारा हो गया है बटन। अब बटन मीन्स, अब तक हम लोग क्या सोचते थे, बटन मीन्स ये वाला बटन, ठीक? उसके साथ साथ बटन का और एक मतलब भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटन लगाना। बटन लगाना, बटन लगाना, ठीक? अगर हम लोग को किसी को यह बोलना है बटन लगाओ, सो क्या बोलेंगे, बटन। बटन बोल दिया उसका मतलब क्या, बटन लगाओ, ठीक? अब अगर उसी पे अन कर दिए बच्चा, अगर बटन के आगे अन कर दिए, सो क्या इसका मतलब हो गया, बटन खोलना। बटन खोलना, ठीक। अब उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे ये देखो ध्यान से वर्ड को देखो, क्या लिखा हुआ है, बैकनेलियन। क्या लिखा है जो बच्चे, बैकनेलियन। अब इसका मतलब किसी को पता होगा क्या होता है, बहुत किसी को पता होगा, पर तरीका समझो। डायरेक्टली हम लोग क्या लिखा हुआ है, ऐसा मूवी का नाम याद करो जिसमें बच्चन ने, अमिताभ बच्चन ने बेवड़े का रोल किया है, आपको मिल जाएगा वो मूवी, ठीक? उसके बाद अगर वो तरीके से याद ना हो, इसका मतलब होता है बेवड़ा हम लोग के लैंग्वेज में, या फिर दारू पीने वाला, जो भी बोलो। अब इसको याद कैसे करेंगे, सेट कैसे रखेंगे, तो देखो सीधा सीधे लिखा है बच्चन, बच्चन बेवड़े। उसके अलावा और एक तरीका बनता है, देखो ये बच्चन लिखा हुआ सीधा सीधी, यहां लिखा हुआ है आलिया। बच्चन और आलिया भट्ट क्या करते हैं, एक साथ बैठ के दारू पीते हैं, दोनों क्या है, बेवड़े हैं। याद करना है, किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, ठीक है? सिर्फ याद करने का तरीका, सीधा सीधा दिखता है बच्चन और आलिया, खत्म। उसके अलावा जब भी आप बहुत ज्यादा दारू पीते हो ना, बहुत ज्यादा अगर आप दारू पी रहे हो, अगर आप बेवड़ा बन गए हो, तो आपका जो बचना है ना बच्चा, आपका बचना मुश्किल है। सो क्या हो गया, बैकनियल मीन्स बेवड़ा। जब आप बोलते हो ना, सो बैकनल भी आप बोल सकते हो, इट डजंट मैटर, फाइन। अगला एले, अब इसको देखना, इसका एक्चुअली मतलब होता है कम करना, कम करना। क्या कम करना, दर्द कम करना, ठीक है? कुछ भी आप कम करना समझ सकते हो, दर्द हो गया, कष्ट, कुछ भी कम करना। चलो अब सुनो, इसको याद कैसे करेंगे, एक छोटा सा बच्चा का एग्जांपल ले लो, छोटा मोटा बच्चे का एग्जांपल ले लो। जब भी वो कहीं गिरता है, दर्द होता है। अब उस दर्द को कम करने के लिए उसकी माँ क्या बोलती है, ओले 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 मेरा बच्चा, क्या बोलती है उसकी माँ, ओले मेरा बच्चा रो मत, क्या बोलती है मम्मी, क्या बोलती है, ओले। वही उसी तरीके से बोलती है, क्या बोलती है, ओले ले मेरा बच्चा रो मत। सो इसका मतलब क्या करती है, कि जो दर्द होता है, जो उसको प्रॉब्लम होता है, जो कष्ट होता है, उसको क्या करती है, कम करने का कोशिश करती है, कौन, मम्मी, क्या बोलती है, ओले ले मेरा बच्चा रो मत। अगला देखो, इससे ये जो लिखा हुआ है पिक, अच्छा अब सुनना, आप कहीं पे सोच लो पिक्स क्लिक करने गए हो, ठीक है? कोई आपको अड़ंगा डाल रहा है बीच में, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो आपको गुस्सा दिला रहा है, क्या कर रहा है आपको, वो गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा दिलाना। अब इसका दूसरा तरीका, एक मैंने क्या बोला, आप पिक्स क्लिक कर रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको गुस्सा आ गया, वो आपको गुस्सा दिला रहा है। इसके अलावा और एक तरीका देखो, PIQUE, इससे आप थोड़ा अलग तरह से अगर प्रोनंसिएट करो, ये पीके आ जाता है, पीके। ये मूवी हर किसी ने देखा होगा, पीके वाला। अब उसका काम क्या था बच्चा, पीके का काम क्या था, फालतू इसको उसको क्वेश्चन पूछ के दूसरों को क्या करता था, वो गुस्सा दिलाता था, क्या करता था, गुस्सा दिलाता था, ठीक है? सो पिक यानी पीके, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, गुस्सा दिलाना, फाइन।
नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अगास्ट, अगास्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर जी एच ए एस टी अगास्ट लिखा हुआ, पर आप इसको घोस्ट करके प्रोनाउंसिएट कर दो, एक पल के लिए घोस्ट समझ लो। घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है। अब घोस्ट को देख के भूत को देखा तो पता नहीं कोई होगा ही नहीं, सो घोस्ट को देख के भूत को देख के हम लोग क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं, डर से भर जाते हैं, क्या करते हैं, डर से भर जाते हैं। किसको देख के बच्चे, घोस्ट को देख के क्या हो जाएगा, डर से भरा हुआ, डर से भरा हुआ, ठीक। अब इसका हो गया, अगला अधीरे, अधीरे इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। अगर कोई टीचर ना, टीचर समझ लो, कोई कोई और आपके पेरेंट्स समझ लो, कुछ एक रूल बनाते हैं, क्या करते हैं, आपके टीचर कोई रूल बनाते हैं और उस रूल को फॉलो करने बोलते हैं, सो आप क्या बोलते हो, एक अचानक से फॉलो नहीं होगा, आप क्या बोलते हो सर, या फिर पापा मम्मी जो भी है, ये अचानक से फॉलो तो होगा नहीं, फॉलो कैसे होगा, धीरे धीरे, अरे वो गाना था ना धीरे धीरे वाला, सो फॉलो कैसे होगा, धीरे धीरे फॉलो होगा, क्या रूल्स, आप क्या करोगे, जो जो आपको पालन करना है, जो भी रूल्स का पालन करना है, कैसे करोगे, आप धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे क्या करोगे, रूल्स का पालन करोगे, क्या हो गया, पालन करना, ठीक है। अगला मेरा क्या हो गया, राउडी, मूवी हर किसी ने देखा होगा, राउडी, राउडी राठौर, वो हमेशा क्या करता था, दूसरों को मारपीट करने में लगा रहता, ठीक है। सो राउडी मतलब क्या हो जाता है, झगड़ा करने वाला, हमेशा झगड़ा के लिए रेडी रहने वाला, झगड़ालू, क्या हो गया, राउडी मतलब झगड़ालू, ठीक। वो हमेशा क्या करता, राउडी वर्ड से ही दिमाग में आता है कि झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला। फाइन, नेक्स्ट वर्ड इज बल्कि, बल्कि सुनो ध्यान से, बहुत इजी है। अच्छा, इसमें से एक वर्ड निकल रहा है, देखो ध्यान से, टुकड़ा करेगा तो बीयूएल बुल, बीयूएल बुल, के वाई की, बुल मींस होता है क्या बच्चे, सांड, बुल मींस क्या होता है, सांड। तो ध्यान से देखो, जब भी आप बुल को देखते हो, वो हम बहुत क्या होता है, भारी होता है, बहुत क्या होता है, भारी होता है, कौन, बुल, बहुत क्या होता है, भारी होता है। और दूसरा, बुल का जो आकार होता है, बुल का जो आकार होता है वो क्या होता है, बुल का जो आकार होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सो बुल मतलब क्या हो गया, बड़े आकार का, बड़ा आकार, ठीक है, बड़ा, अच्छा झगड़ालू, सो बड़े आकार का, ठीक है, आकार का कर दो, बड़ा आकार का, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, स्लैट, स्लैट, अच्छा इससे वर्ड क्या बनता है, बनता है, देखो इससे वर्ड बनता है लैट, लात। आप क्या बोलते हो ना, जो आपसे छोटा होता है ना उसको क्या बोलते हो, फिर जब आप गुस्से में होते हो क्या बोलते हो, एक लात मारेंगे हवा जैसा उड़ जाएगा, क्या बोलते हो, एक लात मारेंगे हवा के जैसा उड़ जाएगा, आज से वो लाइन चेंज कर देना, बोलना ना, एक ऐसा लात मारेंगे, एक स्लैट मारेंगे, क्या करेंगे बच्चे, एक स्लैट मारेंगे, एक लात मारेंगे, हवा के झोंके की तरह बह जाओगे, क्या हो जाओगे, हवा के झोंके की तरह बह जाओगे। सो स्लैट मींस क्या हो गया, हवा का झोंका, बना। अब इसको फिर से आप लोग क्या करोगे, एक बारी नहीं समझ आता है दोबारा देख लोगे आराम से, ठीक है। फिर भी क्या होगा, याद करना नहीं है, एक चीज दिमाग में रखना कि ये व्हाट आई एम डूइंग दिस, याद नहीं करना है, वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है, वी जस्ट हैव टू क्लिक फोटोज इन आर माइंड, माइंड में सिर्फ क्या करना है बच्चे, फोटो क्लिक करना है, ठीक है। और इसी तरह के और भी धीरे धीरे हम लोग वोकैब्स लाते रहेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, एक वोकैब्स पावर या फिर जो कैपेसिटी अपना है मेमोराइज करने का, वो इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे से, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और अगर किस तरह के वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता देना, कमेंट में आप जरूर कर देना कि ये जो वीडियो है कैसा लगा, और किस तरह के वीडियोज चाहिए वो आप मुझे बता देना, और प्लीज इसको लाइक कर देना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा शेयर भी कर देना, क्योंकि दूसरे दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक चीज, जो 11 बजे अपना जो रेगुलर क्लास होता है उसको भी आप अटेंड करो, और आई थिंक कुछ दिन बाद एक नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच वाला, सो जिनको भी इंटरेस्ट है वो आप क्या करोगे, अच्छा वो नंबर तो आपको, जो बैच है उसमें आपको नंबर मिल जाता होगा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, कुछ भी
चीज के लिए। हो गया, सो गाइस दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।